शिव्य लिबास के मकबूलियात मगर ये जिस्म के लिए ख़तरनाक हैं। शेप वेयर और दूसरे चुस्त लिबास फैशन का हिस्सा बन गए, मगर क्या उनकी मकबूलियत सेहत के बहरान को जन्म दे सकती है? 2001 में रिलीज़ होने वाली फिल्म ब्रिजेट जोनर की डायरी के मुतअद्दिद मनाजिर में 30 साल से ज़ायद उम्र की अकेली रहने वाली हीरोइन रैनी ज़ेलवेगर ने खुद को पतला दिखाने के लिए लाइक्रा शेप वेयर का इस्तेमाल किया। जब फिल्म में डैनियल क्लेवर का किरदार अदा करने वाले हैवी ग्रांट एक यादगार मंजर में उन्हें देखते हैं, तो ब्रिजेट खजालत के मारे शर्मा जाती हैं। डैनियल धीमे लहजे में कहते हैं, अच्छा हेलो मम्मी। फिल्म की रिलीज़ के वक्त कंट्रोल शिवियर या पीठ को अंदर करने वाले अंडरवेयर जो पहनने वालों की जिसामत को सीधा करने के लिए डिज़ाइन किया गया हो, बुनियादी तौर पर ब्रिजेट जैसे लोगों को फरोख्त किया जाता था, जिन्हें माशरे की तरफ से बताया गया हो कि जब तक उनका पेट बिल्कुल सीधा ना हो वो मोटी या नापसंदीदा हैं। ताहम आज शेवियर को मुख्तलिफ अंदाज में ब्रांड करके उसे नौजवानों खवातीन को एक पुरकशिश फैशन के लवाजमात के तौर पर फरोख्त किया जाता है। शेवियर की मखसूस मसनूआत की तशहीर ना सिर्फ पेट को सीधा रखने वाले तौर पर की जाती है, बल्कि ये हर उस शख्स के लिए भी है जो चाहता है कि उसकी कमर छोटी और कार्डिशियन से मुशाबे हो। शेवियर ब्रांड स्कम्स, जिसकी बुनियाद उन्होंने 2019 में रखी थी, वायरल बॉडी सूट फरोख्त करता है जो जिस्म को उस शक्ल में डालने के लिए तैयार किया गया है। उसकी कीमत 70 पाउंड से शुरू होती है। स्किम्स की इफ्तिताह के बाद से, जैसा कि कार्डशियन खानदान के साथ अक्सर होता है कि ये जब भी कुछ बनाता या पहनता है उसकी कॉपी की मार्केट में भरमार हो जाती है। ऑनलाइन रिटेलर प्रिटी लिटल थिंग, जिसका तेज फैशन के नुकसान दा चक्कर में किरदार अदा करने का एक मुजहका खेज ट्रैक रिकॉर्ड है, स्किम्स वायरल पार्टी सूट की नकल तकरीबन 20 पाउंड में फरोख्त करता है। वो सिर्फ 12 पाउंड में वेस्ट ट्रेनर भी फरोख्त करते हैं। कपड़ों के नीचे कमर की गिर्द सख्ती से लपेटा जाता है। उस आइटम की तफसील में लिखा उस वेस्ट ट्रेंस के जरिए एक लम्हे में अपनी कमर को गुड़िया जैसी बनाएं। उस प्रोडक्ट को सख्त बनाने के लिए उसमें बोनिंग की गई है। टिकटॉक पर जाएं और वो आपको स्पेनिक्स तर्ज के शेप वेयर के वायरल कपड़े मिलेंगे जो किसी शख्स की कमर की चौड़ाई को कम से कम करने और उसके निचले हिस्से को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। अगरचे स्कम्स शेवियर की मांग में हालिया इजाफे के वाहिद जिम्मेदार नहीं, लेकिन उसने हमारे नुक्ता नज़र और को तब्दील करने में किरदार अदा किया है। ब्रिजेट के जेर जमा अब दिलकश और पसंदीदा है। मिसाल के तौर पर ब्रांड के ताज़ा तरीन मजमुए की तशहीर के लिए वायरल प्रोनक्स रिपेयर आइस स्पाइस के साथ बरतानवी गुलकार और नगमा निगार रे ओ पिंग को शामिल किया गया था। उसके नतीजे में बनने वाली मुहिम की जगह वीवर्ग मैगजीन के सफहात पर बेमाल नज़र नहीं आएगी। उस इश्तिहार में हमें बताया गया है कि फैशन सिर्फ उन कपड़ों के बारे में नहीं जो आप पहनते हैं, बल्कि जिस्म की ज़ाहरी जसामत के बारे में भी
है जिसे वो पहने जाते हैं। इब्तदाई शेप और 16वीं सदी में एक रुझान या जिस्म को डालने वाले आले के तौर पर नहीं बल्कि अमली मदद के लिए मुतारिफ कराए गए थे। उस वक्त शेवियर का बुनियादी मकसद जिस्म को उस तरह सपोर्ट करना था जिस तरह आज छाती को सहारा देने के लिए एक ब्रा बनाई जाती है। उन्होंने वजात की स्टीज का एक जोड़ा, एक कॉर्सेट तर्ज की चोली, काम करने वाली खवातीन की छाती और कमर के लिए सारे सहारे का काम करता होगा। ये स्टाइल ट्रेंड की बजाय उसके बगैर ही ज़्यादा फाल और मामन थे। जो शेवियर हमें आज नज़र आते हैं उनका आगाज़ पहली बार 1660 की दहाई में देखा गया। जो लचकदार फाइबर लाइक्रा की इजाद से स्ट्रेच कपड़े बनाने में मुमकिन हुआ। लास्को विस्का जिसको जदीद शेवियर के दादा दादी कहते हैं, वो सेलवर्ड नामी एक बरतानवी ब्रांड का लिटल एक्स गर्डल था। वो कहती हैं ये रिवायती साख्ता कोर्सट्री से लचकदार शक्ल के लिबास में तब्दीली के लिए एक अहम मोड़ था। ये एक ऊपर की तरफ खींच कर पहना जाने वाला लचकदार कमरबंद था जिसकी लंबाई कमर से रान तक थी। उसकी जब उस कारोबार में तेजी से इजाफा हुआ तो बिल आखिर 32 से ज्यादा ममालिक में उसकी फरोख्त का लाइसेंस दिया गया। उसके बाद हमने 2000 में कदीम होने वाले अमरीकी ब्रांड स्पेनिक्स की तरह के ज्यादा आरामदार रोजमर्रा के शेवियर का इर्तका देखा। उसके बरक्स जदीद शेवियर अब जिस्म को कपड़ों के नीचे मुख्तलिफ अंदाज में जाहिर करने के लिए तैयार किए जाते हैं और अब ये फास्ट फैशन में भी शामिल हो रहा है। लेकिन लास्को व्योस्का जैसे जेर जामा के डिजाइन उस बात से परेशान हैं कि सार्फिन खराब तरीके से बनाए गए अंडरगारमेंट से खुद को जिस्मानी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो कहती हैं हमने कोस्ट्री और शेवियर के को फास्ट फैशन जैसे ट्रेंड्स को अपनाते हुए देखा है लेकिन उन्हें इंसानी जिस्म के मुताबिक नहीं बनाया जाता क्योंकि उसे हर मुमकिन हद तक सस्ता बनाया गया है। वो मजीद कहती हैं कि अगर लोग बहुत छोटा साइज खरीदते हैं तो वो लचकदार शेप वेयर के कपड़ों से खुद को जख्मी कर सकते हैं जिसका मतलब है कि उनके खून की गर्दिश मुमकिन तौर पर कम हो सकती है। विक्टोरिया क्लाइंसमैन खुद एदमाती के माहिर और बॉडी लव कोच हैं। वो 13 से 60 साल की उम्र की खवातीन के साथ काम करती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने देखा कि इस तरह उनके कम उम्र गाहकों पर पतले होने का जुनून तारी हो रहा है। कुछ गाहकों ने अपने जिस्म के ऊपरी हिस्से को बड़ा और पुरकशिश बनाने के लिए खसूसी टाइट्स खरीदे। दीगर जिस्म बिलखसूस कमर और पेट को पतला या सख्त दिखाने के लिए एक दूसरे के ऊपर कई शेप वेयर्स पहनते हैं। जदीद शेप वेयर पहनने से लोगों अपने जिस्म पर IRL फिल्टर लगा सकते हैं। वो हर रोज़ उन ख्वातीन से बात करती हैं जो जूम कलर्स पर उनके सामने अपनी जसामत की फिक्र से रो रही होती हैं कि उनका जिस्म कैसा नज़र आता है। ये उस हद तक होता है जब गर्म मौसम उबल रहा होता है लेकिन वो स्पेंडेक्स शेपवेयर और टाइट्स पहने हुए हैं और वो बहुत बेचैन हैं लेकिन वो उस बात से बहुत डरते हैं कि उनके जिस्म के साइज की वजह से दूसरे उनके बारे में क्या सोचेंगे। ये माहिर खुराक के साथ मसाइल के बाद उस काम की तरफ आई। वो कहती हैं मैंने उसे पहनकर जिम जाती थी
क्योंकि बज़ाहिर आपको ज़्यादा पसीना आता है, ये आपके लिए जिस्मानी तौर पर तकलीफ दह होता है और आपकी जज्बाती और जहनी सेहत के लिए उससे भी ज़्यादा तकलीफ दह है। क्लींस मैन को नहीं लगता कि उस किस्म के लचकदार शेवियर का फैशन से कोई ताल्लुक है और उसकी तस्वीर उस तरह नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मुझे बताया ये वाकई ख़तरनाक है, शेवियर आपको एक जाली एतमाद फराहम करता है, लेकिन फिर जब ये सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो फिर आप कौन हैं। स्कीम्स और उनके मुख्तलिफ रेपिल का की मकबूलियात में जल्द कमी वाक़ होने का इम्कान नहीं है, लेकिन क्लींस मैन को उम्मीद है कि जल्द ही मजीद खवातीन को शेवियर की हकीकत पता चलेगी। उन्होंने आबरी, फैट फोबिया और जिस्मानी सा